जय हिंद दोस्तों तो आज आप लोग को बताने वाले हैं यानी बोर्ड एग्जाम में 90 परसेंट यानी 95 परसेंट कैसे लाना है इसके बारे में हम पूरा आप लोग को डिटेल डिटेल बाय बताने वाले ये पांच मिनट के वीडियो आप लोग को पांच मिनट के वीडियो नाइनटी 95 परसेंट में आप लोग को बदलने वाला है यानी आप लोग समझ सकते हैं टॉपर यानी टॉपर लिस्ट में आपका भी नाम आने वाला है ठीक है आप भी नाम अपने माता पिता का रोशन करने वाले तो बस इस ट्रिक को आप लोग फॉलो करते रहे और हमेशा यानी पांच मिनट आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से अगर देख लेते हैं तो आप लोग को हंड्रेड

पढ़कर नाइन फाइव परसेंट कैसे लाए इसके यानी इस वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना ठीक है जो कि 10 और 12 दोनों यानी वोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बस इस वीडियो में हमेशा देखिएगा नेक्स्ट आप आप लोग लोग को को पॉइंट जो किस पे यानी कि फॉलो करना है ठीक देखिएगा क्या करते हैं यानी कौन क्या करते हैं यानी टॉपर जो है क्या करते हैं टॉपर कैसे बनते हैं इसके आप लोग हमेशा लास्ट वीडियो में बने रहेगा ठीक है देखिएगा टॉपर है जो क्या टॉपर है आप भी बनोगे क्या कर रहा है टॉपर है आप भी मतलब बनने का आप लोग चांस है कि आप भी सकते हैं टॉपर यानी आप लोगों को नाइन्टी डे बचा क्या तो आप लोग नब्बे दिन ही बचा यानी तीन मंथ समय ले आप समय बच चुका है ठीक है तो आप लोग सेम बुक देखिए टॉपर क्या है टॉपर का भी सेम बुक होता है हम लोग का भी यानी सेम बुक होता है सेम कॉपी उसका भी होता है सेम कॉपी हम लोग का होता है यानी 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 टीचर भी 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 सेम 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 पढ़ाते हैं होता है है दो दो हाथ उनका भी, दो हाथ उनका पैर मेरे को ठीक पेपर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो आता है पेपर यानी बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है यानी सेम आता है ठीक है दोनों का यानी सेम पेपर आता है तो देखिए प्रिपरेशन यानी कि प्रिपरेशन है जो कि शुरू कैसे करते हैं यानी टॉपर लोग है जो कैसे शुरू करते हैं डेली यानी कंसल्टेंसी आप लोग को यानी मेहनत करना बहुत जरूरी है क्या मतलब मेहनत जो करना यानी सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को आप लोग फॉलो करिएगा तभी आप लोग ये देखिए सफलता क्या है ये सफलता के ना मंत्र है ठीक है देखिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है जो कि इस पे आप लोग को तुम फॉलो 100% आप लोग इस बात को यानी ध्यान रखना ठीक है आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग का क्या करना था एनसीआर टी का एनसीआर टी का क्या यानी तीन ईयर का यानी पिछले तीन ईयर का यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना उसको यानी उससे आप लोग पढ़ते थे यानी आने का जो चांस है वो बहुत अधिक हो जाता है ठीक है दिन भर यानी दिन भर जो कितने विद्यार्थी है ना दिन भर स्कूल कॉलेज में समय गवाते रहते हैं तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना ठीक है आप लोग ऐसा क्या करना बिल्कुल नहीं करना स्कूल है जो स्कूल में हमेशा टाइम बिल्कुल व्यतीत नहीं करना स्कूल जाना अब यानी कि छोड़ दे ठीक है और कोच 进。<noise> यानि कोचिंग में यानी कि आप समझ सकते हैं कोचिंग में यानी ना के बराबर ही आप जाएं यानी स्वयं सेल्फ यानी सेल्फ स्टडी करें कोचिंग जा सकते हैं लेकिन अब उतना भी कोचिंग पे भरोसा नहीं करना है ठीक है जो भरोसा था वो आप लोग खो चुके हैं ठीक है देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को आप लोग फॉलो करिए क्या क्या था सेल्फ स्टडी यानी सेल्फ स्टडी करना है हंड्रेड परसेंट यानी सौ परसेंट आप लोग को एफर्ट लगाना है यानी सेल्फ स्टडी पर ठीक है यानी स्वयं आप लोग को यानी कि अपना एफर्ट लगाना है यानी सेल्फ स्टडी पर ठीक है ये होना ये आवश्यक है बहुत जरूरी है आप लोग को यानी यानी कि सेल्फ स्टडी करना बहुत सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे जितने भी टेन और ट्वेल्थ के जितने भी टेन ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम देने वाले बस इस, इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो 95 फाइव परसेंट परसेंट आने वाला ठीक है

आप लोग को बुक खोल कर नहीं पढ़ना आप लोग को जब भी पढ़ना यानी कंसिस्टेंसी से पढ़ना यानी कि आप लोग एफर्ट लगाना यानी बुक पर कहीं भी ध्यान आप लोग को नहीं रखना ठीक है ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोग को आएगा ये टॉपर टॉपर के बारे में हम बता रहे हैं कैसे आप लोग बनते हैं और टॉपर का क्या यह राय है ठीक है देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को देखें क्या कर रहा है कॉपी पर यानी कि कॉपी पर खुद से यानी प्रैक्टिस करना सीखे देखिए बहुत सारे विद्यार्थी अपना कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करते जाके एग्जाम देते थे ऐसा आप लोग बिल्कुल गलती ये नहीं करना

तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को बनता है तो सर तो सर हम जो है कि क्या करें आप लोग क्या करें कि यानी टॉपर लिस्ट आप लोग को नाम आ जाए टॉपर लिस्ट में तो देखिए हमेशा जो यानी बुक लेकर बैठे खेलना कूद घूमना एकदम को बंद कर दे ठीक है यहाँ खेलना है लेकिन खेलना थोड़ा बहुत खेल सकते हैं यानी तीस मिनट का समय आप लोग खेलने के लिए ले सकते हैं ठीक है ज्यादा नहीं क्योंकि समय है जो आपको यानी नाइनटी डे बच आ चुका है यानी आप लोगों को तीन महीना ही बच चुका है स्टूडेंट ठीक है तो आप लोग को क्या करना खेलना कूदना दम एकदम बंद कर देना घूमना फिरना बंद कर देना दम एकदम बंद कर देना ठीक है आप लोग को ज्यादा नहीं आप लोग को बस तीन महीना बंद कर देंगे ना तीन महीना में आप लोग को सफलता आप लोगों को निखार जरूर लाएगा ठीक है देखिएगा जो कार

आप लोग समझ सकते हैं यानी 70 से 80% तक ला सकते हैं कौन सा आप लोगों को बढ़िया लगा आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा स्मार्ट वर्क के कर भी सच्चाई देखिए स्मार्ट वर्क है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को बताया गया कि इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे ना ये टॉपर के द्वारा आप लोगों को दिया गया कि टॉपर कैसे आप लोग यानी कि कर सकते हैं टॉप कैसे कर सकते हैं देखिए सेट सेट योर अपना गोल यानी अपना गोल को सेट करना कि आप लोग कितना परसेंट लाना चाहते हैं और कितना नंबर लाना चाहते हैं आप लोग गोल करना कि हम 95 परसेंट ला सकते हैं 80 परसेंट ला सकते हैं 70 परसेंट ला सकते हैं तो आप लोगों को गोल सेट करना क्या करना अपना गोल सेट जो करना कि हम सेवेंटी परसेंट लाएंगे कि एट्टी परसेंट लाएंगे कि यानी कि नाइनटी फाइव परसेंट लाएंगे ये आप लोग को गोल सेट करना ठीक है आप लोग चलिए बेस्ट टाइम टेबल यानी आप लोग को टाइम टेबल जो जरूर आप लोग सेट कर लेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा रही ठीक है समय जो है बहुत काम बचे हैं अपना क्या करना है बेस्ट टाइमिंग यानी कौन कौन टाइम में हम किस विषय को पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे और कौन कौन समय में हम पढ़ेंगे ये टाइम टेबल आप लोग को बिल्कुल फॉलो कर लेना यानी आप बिल्कुल आप लोग बना लेंगे टाइम टेबल ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जो हमेशा रोज फॉलो कर सके क्या हमेशा जो रोज यानी रोज ये नहीं कि आज बनाएं और कल यानी कि आज बनाए दो घंटा पढ़ें और कल यानी कि आधा घंटा कर दिया ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना जितना आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं उसके अनुसार भी पढ़ते हैं तो टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता विद्यार्थी ठीक है टॉपर बनाने से कोई रक्षकता देखिएगा और सब्जेक्ट का क्या करना तो सभी सब्जेक्ट ये नहीं कि आप लोग हिंदी बना लिए सिर्फ इंग्लिश बना लिए ठीक आप लोग को सभी सब्जेक्ट का बनाना है ठीक है यानी जितना भी आप लोग को सब्जेक्ट है यानी बोर्ड एग्जाम में जितना भी 10 12 का सारा सब्जेक्ट का आप लोग को बनाना है ठीक है मेहनत के आगे यानी मेहनत के जो आगे है ना वो रिजल्ट भी क्या झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे ठीक है वे रिजल्ट भी सोचेंगे कि मेरे सामने उसके सामने हमको झुकना ही पड़ेगा क्योंकि वो मेहनत करके आयानी नाइनटी फाइव परसेंट लाने चला है तो वो रिजल्ट को क्या झुकना ही पड़ेगा ठीक है आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे ठीक है चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट को देखें क्या कह रहा है देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ये ना हंड्रेड परसेंट नहीं जानते हैं जो कि देखिए आप लोगों को इसको जानना है जो बहुत जरूरी है देखिए पहले क्या करना आप लोगों को यानी सिलेबस का आप लोगों को सिलेबस क्या है इसको जान लेना बहुत जरूरी है हंड्रेड परसेंट जानना है विद्यार्थी तभी नाइनटी फाइव परसेंट ला सकते हो आपको सिलेबस है जो कि जानना है कि हमको क्या सिलेबस है कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये अगर सिलेबस आप जान गए ना तो आप समझ जाएगा टॉपर लिस्ट में आप लोग का नाम है जो कि आ चुका होगा ठीक है देखिएगा हर विषय हर विषय में कितने यानी चैप्टर होते हैं कितने चैप्टर होते हैं यानी कि जैसे हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया तो कितने यानी कि चैप्टर होते हैं उसमें आप लोग को देख लेना क्या करना है तो उसमें आपको देखना कि कौन कौन चैप्टर है इंपॉर्टेंट है कौन कितने कि कौन कितने मार्क्स के यानी कितना मार्क्स का कौन चैप्टर से आता है इसको भी आप लोग को फॉलो करना है ठीक है अगर इस वीडियो को हम टारगेट लगते हैं अगर पांच सौ लाइक आप लोग कर देते हैं इस वीडियो को तो हंड्रेड परसेंट है कि हम हमने यानी कि कितने मार्क्स का कौन कौन है इसके इस पे आप लोग हम यानी कि वीडियो बना देंगे ठीक है चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट को आप लोग देखिए क्या कर रहा है पूरी प्लानिंग के साथ यानी पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को करना है ठीक है पूरी प्लानिंग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आप लोग करना है जितना भी आप लोग बताए इस इस मतलब पूरी सिलेबस के साथ कमजोर छात्र और क्या मजबूत छात्र यानी कमजोर छात्र कौन होता है मजबूत देखिए कमजोर छात्र आप लोग हिंदी इंग्लिश उनका भी स्ट्रांग होता है ठीक है तो आप लोग ऐसा नहीं करना है कि हिंदी और इंग्लिश पे खाली ध्यान देंगे तो हम लोग को अच्छा मार्क्स आ जाएगा ऐसा आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करना जो सब्जेक्ट में आपको लगे कि हम कमजोर है काम उसमें जानते हैं तो उस विषय यानी ज्यादा फॉलो करेंगे जैसे में क्या फिजिक्स मैथ साइंस इस पर क्या थोड़ा सा ज्यादा ध्यान हिंदी पर हम दे रहे हैं तीस मिनट इसमें हम थोड़ा सा देंगे साठ मिनट इस, इस दोगुना फोकस करेंगे ठीक है तभी आप लोग यानी कि स्ट्रांग यानी स्ट्रांग हो सकते हैं सभी सब्जेक्ट में ठीक है चलेगा नेक्स्ट जो पॉइंट बचा है वो हमेशा लास्ट पॉइंट जो बचा है इसको करना बहुत जरूरी है विद्यार्थी अगर इस पे अगर इसको आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग का यानी कि क्लियर नहीं हो पाएगा यानी यानी कि टॉपर लिस्ट में आप लोग का नाम नहीं आएगा इसको देखना बहुत जरूरी है देखिए आपको टॉपर कैसे बढ़ना है इसके बारे में बताएगा आपको जो टॉपर है ना कैसे आप लोग टॉपर लिस्ट में अपना नाम ले सकते हैं अपने माता पिता का नाम जो कि कैसे रोशन कर सकते हैं देखिएगा फर्स्ट में आप लोग देखिए क्या करना है ईयर का प्रीवियस ईयर आप को जो पढ़ना है वो क्या अंतिम महीने तक ये पढ़ना है ठीक है अंतिम महीने तक ये सब पढ़ना है पूरा जब तक आप लोग को एग्जाम ना हो जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो ये सब क्या करना लास्ट तक हमेशा इसको फॉलो करना है तो देखिएगा तीन ईयर का पेपर को देखना है ठीक है देखना है उसको आप लोग सॉल्व करना है कि कैसे आता है किस प्रकार का आप लोग आता है कौन कौन मार्क्स पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यानी आंसर क्वेश्चन आप लोग को याद करना देखना है ठीक है और तभी आप लोगों को यानी लिखना है तब आप लोग को याद हो जाएगा हंड्रेड परसेंट ठीक है देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखना है ठीक है कि पिछले पांच वर्षों दस वर्षों से कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला आ रहा है कैसे इस बार आने वाला ठीक है इंपॉर्टेंट जो आप लोग नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स को जरूर देखेंगे जो टीचर लोग बताए होंगे आप लोग को नोट्स के क्या क्या आप लोगों को नोट्स जो दिए होंगे या बनाए होंगे कैसे आप लोगों को कौन कौन कितना अच्छा अच्छा यानी कि पूछा जाता है ठीक है

ना है पढ़ने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे आता है कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक को देखेंगे यानी कि 10 से यानी 20 तक क्वेश्चन बैंक कैसा रहा किस प्रकार का क्वेश्चन रहा क्वेश्चन बैंक को हंड्रेड सब देखेंगे ठीक है जितने भी विद्यार्थी यानी बोर्ड एग्जाम का 10 का और 12th का जो भी बोर्ड एग्जाम 2023 में देने एग्जामने हो इस एफर्ट को जरूर यानी करेंगे ठीक है सभी विषय सभी विषय का ऑब्जेक्टिव रोज याद करना ठीक है सभी विषय का जो ऑब्जेक्टिव है हमेशा रोज याद करेंगे कि कौन कौन कैसा यानी कि क्वेश्चन रहता है उसको याद करेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे क्या करा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को रोज याद करेंगे यानी शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है जैसे कि दो यानी कि दो मार्क्स में आता है तीन मार्क्स में आता है इसको शॉर्ट और एक पांच मार्क्स में आता है जो लॉन्ग क्वेश्चन जो कहलाता है लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा रोज डेली एक या दो जरूर याद करेंगे तभी आप लोग समझ सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट यानी आप लाने की यानी विद्यार्थी जो कि बन चुके इतना अगर फॉलो कर देते हैं तो हंड्रेड मेरा वादा रहा कि आप लोग अगर यानी कि नहीं लाए नाइन्टी परसेंट तो हमें आने आज से आप लोग का वीडियो हम जो बनाना है ये छोड़ देंगे ठीक है हंड्रेड परसेंट आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो उसका लाइक जरूर करेंगे देखिएगा एक और बात महत्वपूर्ण है जो कि ऑल फॉर्मूला को आप लोगों को देख लेना है कि मैथ में कौन कौन फॉर्मूला फिजिक्स में यानी मैथ और फिजिक्स में कौन कौन फॉर्मूला आप लोगों को इसको आप लोगों को एक नोट से यानी तैयार कर लेना कि कौन कौन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ठीक है देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है कौन कौन जो है जो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई जिसको आप लोग बोलते हैं वीवीआई टॉपिक कौन कौन है टेस्ट पेपर देखिए बहुत सारे विद्यार्थी लोग के टेस्ट पेपर 95 परसेंट नहीं देते हैं क्यों नहीं देते कि कैसा हम लोग को कैसे करना है समझ में आएगा किस प्रकार का यानी क्वेश्चन आता है टेस्ट देना यानी किस कितना विद्यार्थी में कोचिंग में यानी कोचिंग में क्या करते टेस्ट देते है तो बिल्कुल सही करते हैं कोचिंग यानी खुद से भी टेस्ट दे सकते हैं यानी कि आप लोग प्रीवीएस क्वेश्चन लेकर खुद से टेस्ट देना को प्रयास करेंगे तभी आप लोग यानी बोर्ड एग्जाम में नाइन्टी फाइव परसेंट यानी क्लियर कर सकते हैं यानी ला सकते हैं अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे ठीक है तभी आप लोग को यानी ऐसे आप लोग वीडियो पाने के लिए यानी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत